वत्सल भक्त वत्सल शिरोमणि मेरी रक्षक। सीता जी के मन में बड़ी दया आई और कहा, प्रभु इसके ऊपर गुस्सा मत कर। एक नयन करी तजेहु भवानी, भवानी उसको एक नयन कर दिया। कई लोग कहते हैं कि जयंत को भगवान ने काना कर दिया, उसकी दो आंख थी उसमें एक आंख फोड़ दी भगवान, कि तू यहां ऐसा नहीं लिखा। उसको एक आंख कर दी अर्थात उसकी आंख पहले थी ही नहीं, एक आंख दे दी। अरे जो प्रभु को समक्ष समझ नहीं रहा उसकी आंख कहां है, ये अंधा आदमी था। एक नयन करी थी, ये अर्थ भी हो सकता है खींचतान करके कि उसकी एक आंख फोड़ दी तो उसको एक आंख वाला काना कर दिया। जो भी हो ये द्वैत दृष्टि थी ना, यही साधु महात्मा यही एक आंख कर देते हैं कि भाई तुम अद्वैत देखा करो, सर्वत्र मेरे प्रभु है, तुम एक दृष्टि से वचस्य एकम मनस्य एकम कर्मण एकम महात्मन। स्वामी विवेकानंद जी से विदेश में किसी ने पूछा कि महाराज जी हमने सुना है कि आपने शादी नहीं की। तो हाँ शादी नहीं की, तो आप इतने हट्ठे कट्ठे बड़े पहलवान बड़े तेजस्वी युवान है, कभी आपके मन में शादी करने की इच्छा हुई? तो उसने कह दिया हाँ। बड़े चौंक गए पूछने वाले लोग कि स्वामी जी क्या बता रहे? हाँ जी इच्छा तो हुई थी और अभी भी है। लोग वो पत्रकार थे वो कागज पेन लेकर के बाबा क्या बोलते लिखते तो फिर आपने शादी की क्यों नहीं? हाँ बोले मेरे मन में इच्छा थी और अभी भी है, किंतु हमारे यहाँ का नियम और सभी यहाँ का नियम होता है कि शादी हमेशा दो में हुआ करे, पत्नी हो पति हो मिलेंगे शादी होगी मंत्र बोलेंगे जो भी संस्कार ये दो के होते। हम तो अद्वैतवादी है, दूसरा कुछ है ही नहीं, किसके साथ शादी करें, किसका हाथ पकड़े। यहां शीस महल में हर एक चेहरा वो तो अपना दिखता है, ये दर्पण के सामने तो वो मैं ही दिखता हूं। ईसा वास्मिदगुम सर्वम, ये सबका सब मैं और ये सब कुछ उसी असीम के अंश है। कौन किसके साथ शादी करे, कौन किसके साथ भेद भाव करे। उमा जय राम चरण रत विगत मोह मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखई जगत, आत्मा वास्यमिदं सर्वम भागवत जी मिलो। आत्मख्याति आहा, ये सबका सब तो सभी में मैं ही हूं। आदमी स्वप्न देखता है, सो गया रात्रि में स्वप्न दिखा, स्वप्न में जो भी कुछ दिखाई देता है आमने सामने वो सबका सब मैं ही हूं। ऐसे ये पूरा का पूरा संसार मैं ही हूं। अब मेरे साथ मैं तो शादी नहीं कर सकता, कौन किसके साथ करे। तो नारद जी ने उसको एक नयन करी तजा भवानी, भवानी उसको अद्वैत दृष्टि दे दी। संत और क्या, उसको कहा कि तुम द्वैत भाव से देखा मत करो,
एक नयन करी तजा भवानी, उसको दिव्य दृष्टि दी महात्मा ने और जयंत प्रभु को परिक्रमा कर क्षमा याचना करके चला गया। भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान रामचंद्र चित्रकूट में रह करके नाना प्रकार के बड़े सुंदर चरित्र करते, जैसे मनुष्य करता है ऐसे ही चरित्र भगवान करते। प्रभु ने देखा कि अब तो यहां भीड़ लगने लगी है, लोग आते हैं मिलने को और सुबह शाम को संध्या भी लोग करने देते नहीं, और अवधवासियों को सभी को पता लग गया अभी तो सभी यहां मिलने आएंगे, परिवार वाले लोगों के साथ प्रतिदिन मिलना आदि करना ये साधना में तापस व्रत में विक्षेप। लक्ष्मण जी से कहा कि लखन चलो हम जरा स्थान बदलते हैं। वहां से प्रभु चले अत्रि के आश्रम, जब प्रभु को महर्षि अत्रि के आश्रम में राम जी आए ऐसा समाचार पाकर के अत्रि के मन में बहुत आनंद हुआ। अनसुया उनकी पत्नी और बहुत बड़ा जिसका पुराणों में चरित्र दिव्य है सतीत्वेन, प्रभु का सुंदर स्वागत किया भगवान ने, अत्रि को प्रणाम किया, सुंदर आसन दिए महर्षि ने, लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी सहित प्रभु वहां पर विराजमान हुए। परमात्मा को सच्चिदानंद ब्रह्म समझ करके अत्रि ऋषि ने जो स्तुति की बड़ी सुंदर स्तुति, बड़ा दिव्य स्तवन अत्रि महर्षि ने किया है। नमामि भक्तवत्सलम् कृपालुषीकोमलम् भजामि ते पदाम्बुजम् अकाम स्वधामनम् अहम् श्याम लोचनम मदादिदोषमोचनम प्रमेयवैभवम् नमामि भक्तवत्सलम् सुखाकरं सतां गति परेश सति सानुजं शशीपतिः
बड़ी सुंदर स्तुति की और चरण सरोरह नाथ जनी कबहु तजे मति भोर। आपके चरण कमल को कभी मेरा मन भमरा बनकर छोड़े नहीं, ऐसा ऋषि के वचनों का तात्पर्य रहा। मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में भंवर बनकर रमता रहे। भगवान श्री रामचंद्र के साथ महर्षि अत्रि जी की कुछ बातें हुई, चर्चाएं चली, प्रभु को भी सत्संग मिला। अत्रि प्रभु के दर्शन करके बहुत आनंद से भर गए। पूरा पवित्र पावन प्रदेश और बड़ा सुंदर सत्संग चला। यहाँ पर सीता जी ने भी अनसुईया सती का पैर छुआ, चरणों में बैठी। सती शिरोमणि अनसुईया जी ने आशीर्वाद दिए और बड़ी सुंदर शिक्षा दी। दिव्य वसन भूषण पहिराए, ऐसा लिखा है, बड़े दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो कभी पुराने नहीं होते। आप सोचिए, ऐसा कौन सा वस्त्र होगा जो कभी पुराना न हो, जो हमेशा अमल बना रहेगा, जो नित नूतन अमल सुहाय, नित्य नया रहेगा और कभी उसमें मैल मलिनता नहीं आएगी, कभी मैला नहीं होगा। ऐसा कौन सा कपड़ा, ऐसे कौन से आभूषण होते जो कभी पुराने नहीं होते, जो कभी मलिन नहीं होते, बिगड़ते नहीं। सोने चांदी के या और किसी पदार्थ के वस्त्र आभूषण होते तो वे एक दिन पुराने हो ही जाएंगे, एक दिन मैले हो ही जाएंगे।
सबसे बढ़िया कोई आभूषण है तो हमारे शास्त्रों में कहा कि वाग भूषणम भूषणम केयूरान विभूषयंति पुरुषम हारान चंद्रोज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षियन्ते खलु भूषणानि सततम् वाग भूषणम् भूषणम्। भर्तृहरि ने ये बाजूबंद जो लगाते हैं लोग सोने के रत्न झटित, ये आदमी को सुंदर नहीं बनाते। इसको धारण करके लोग सोचते कि हम कैसे लगते हैं। एक ने कहा कि महाराज मैं जब कपड़े लते छन करके सोना चांदी पहन के निकलता हूं तो लोग क्या सोचते हूँ। मैंने कहा किसी को तुम्हारे सोचने की फुर्सत नहीं, सभी अपना अपना सोच रहे हैं, कोई तुम्हारे सामने नहीं देख रहा किसको फुर्सत है, सभी अपनी दाढ़ी बना रहे। ये सुंदर नहीं बनाते, बड़े अच्छे अच्छे साबुन से स्नान करेंगे, जरा वो क्या होता है बॉडी स्प्रे लगा सोचते कि हम अच्छे लगेंगे, ऐसे अच्छा नहीं लगते नारायण। न कुसुमम अच्छे अच्छे फूल लगाएंगे, और विचित्र ढंग से बाल कटवाएंगे आजकल तो ऐसे ढंग से बाल पता भी नहीं लगता कि लड़का है कि लड़की है कि और तीसरा कुछ है। ऐसे विचित्र ढंग से बाल कटाते, इतने से आदमी इतने से शरीर सुंदर नहीं लगता। हाँ भर्तृहरि ने कहा कि वाणी का समलंग करोति पुरुषम, ये जो वाणी है ये आदमी को बड़ा सुंदर बनाता, और वो भी यदि संस्कृत हो, वो सुधरी हुई सजाई हुई हो। और यदि उसको कोई शास्त्र सम्मत था कि भारतीय विद्याओं से परिष्कृत बना करके धारण करे वाणी, तो वो समलंकृत हो जाता है। और बड़ी दूसरी मजे की बात बताई कि क्षियन्ते खलु भूषणानि सततम, और आभूषण तो पुराने हो जाएंगे टूट जाएंगे, कहीं आप भूल जाएंगे छूट गई वहां मेरी पर्स तो उसमें से वो रह गया, वो पैसे रह गए, आभूषण रह गए, स्नान कर रहा था बाथरूम में चैन रह गए। कई लोग कहते ये तो कभी आभूषण उतरेगा नहीं, ये कभी कोई चोर न चोर हार्यम न भ्रातृभाज्यम न राजदंडम न च भारकारी, बहुत अच्छा कहा है। ये विद्या को जो धारण करता है, यहाँ पर सती अनसुया ने सीता जी को बहुत अच्छे संस्कार दिए। हमारे तीर्थ स्वामी हरिहर तीर्थ जी महाराज, छोटे महाराज जी कहा करते थे कि प्रमाण पत्र एक कागज का टुकड़ा लेके क्या करना नारायण, तुम खुद इतने लंबे चौड़े प्रमाण नहीं हो क्या, तुम्हारी बात सुन करके कोई कह सकता है कि ये कोई पढ़ा लिखा लगता है, ये कोई बड़े लोगों से मिला हुआ, ये कोई विद्वानों के साथ में रहा हुआ लगता है। तुम्हारे बोलते ही श्लोक बोलते थे कि क्या, जैसे जैसे वो वचन बाण छोड़ता है वैसे वैसे उसका प्रमाण होता है। बोलना ये आदमी की पहचान। आपने देखा होगा माताएं गांव में वो मिट्टी का घड़ा लेती, वो कुम्हार जब खोलता है और कहता है कि ले जाओ जिसको लेना हो, वो दो चार जिसको लेना हो अच्छे लेना हो, माता उठा करके उसको बजाती, जो मीठा बजता है वो अच्छा होता है। सूग करके चाक करके घड़े को नहीं लिया जा सकता है, ऐसे जीवन को भी सूंघना चाखना दूसरी बात है। और वो बोलता है वचन बाणम, बड़ी मजे की बात, वही उसका प्रमाण। तो सीता जी को सती अनसुईया ने बहुत अच्छी बात की। बड़े अच्छे सती धर्म के
सूत्र बताए और बड़ा सुंदर यहाँ पर संवाद। बेटी सीता स्त्री के लिए, पत्नी के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है वो पति की सेवा। अगर उन्होंने पति को प्रसन्न कर दिया तो उसके लिए कोई शेष साधना नहीं बचा, उसने सब कुछ कर दिया। सब कुछ करते हुए भी यदि इतना काम वो नहीं कर पाई, भाग्य में जो मिला है उसके साथ प्रसन्नता से रहना बेटा, ये पत्नी का सबसे बड़ा कर्तव्य। मेरे पिता ने, मेरे आचार्य ने मंत्र बोल करके मेरा हाथ जिसके हाथ में दिया है, ये दो काम पुरुष से नहीं होते हैं। कितना भी बड़ा आदमी हो, एक अपना हाथ अपना जीवन किसी को दे देना और दूसरा बेटे को दूध पिला देना, ये काम पुरुष से नहीं। उसके शरीर से दूध निकलता, मां का हृदय ही पिघल करके वो दूध बन जाता है। वो शुद्ध अपने पिता के घर बड़ी होकर के अपना जीवन पुष्प किसी को दे सके, और उसी को हमारे शास्त्रों में पत्नी कहा है। बेटी सीता सती के तीन प्रकार बताए, उत्तम के अस बस मन माए, उत्तम के अस बस मन माए, उत्तम के अस बस मन माए, सपने हो आन पुरुष जग नाही, 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 मध्यम पर पति देखई केसे, 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 माता पिता पुत्र निज जैसे, माता पिता पुत्र निज जैसे, मध्य पर पति देखे, बिनु अवसर भय दे रहे तो, बिनु अवसर भय दे रहे तो, जाने हो नारी अधम जग सो, नारी अधम जग सोई, जाने हो नारी अधम जग सोई, जाने हो नारी अधम जग सोई, उत्तम के अस बस मन माई, उत्तम के अस बस मन माई, सपने हो आन पुरुष जग नाही, सपने हो आन पुरुष जग नाही, संसार में दूसरा कोई पुरुष नहीं है, मेरे पति ही पुरुष है ऐसा समझ कर जो सेवा करती है वो उत्तम है, भाई पिता या पुत्र समझती है वो मध्यम है, और जिसको मौका नहीं मिला किसी से बात करने का या फिर भय से रहती है वो अधम मानी जाती है। अपने पति के साथ जो झूठ बोल करके पर पति रत ग्रति कर, उसके लिए बड़ा कठोर शब्द लगाया है सती ने कि वो रो रो नरक में जाती, और ऐसा पति के लिए भी ऐसी कोई बात नहीं, कैसा भी हो
पति की सेवा करने में तप समझना चाहिए, गुरु की, पिता की। हमारे शास्त्रों ने तप के कई प्रकार बताए। सात्विक तप, सहज तप, शरीर में, परिवार में कोई असंतोष हो और चुपचाप सहन करना, उसका नाम सहज तप, सात्विक तप। ये बड़े मुझे अच्छा लगे चाहे न लगे, किंतु महाराज श्री ने कह दिया, अब मुझे इस बात को मान जाना चाहिए। ठीक है, परेशानी होगी, नुकसान होगा, जो भी होगा देखा जाएगा। इसका फल ये होगा कि कल हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब छोटे लोग हमारी बात को ध्यान देंगे। अगर हमने कह दिया कि उनको क्या पता है, तो कल हमको भी सुनना पड़ेगा कि तुमको क्या पता है। एक बेटे ने अपने बाप को कह दिया कि निकल जाओ यहां से, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं घर में। कहा कि मैं जाऊंगा कहां, बोले कहीं भी जाओ, चले जाओ यहां से। शादी हो गई, पति पत्नी घूमने लगे, पिता को कहा कि तुम चले जाओ यहां से। सुना नहीं है कथाओं में कि चौथे पन जाइए नृपक आनन, अब तुमको जंगल में चले जाना। पिता ने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कोई संस्कार नहीं, मैं कहां जाऊंगा, सारा तुम्हें पढ़ा करके सारा धन तुम्हारे नाम पे कर दिया, दुकान तुम्हें दे दी, सब कुछ तुम्हें दे दिया, और तुम मुझे धक्का दे के निकालो। बोले दलील मत करो, चलो यहां से, और देखो ये तुम्हारे लिए मैं 10 मीटर कपड़ा लाया हूं, इसको ले जाओ, 5-5 मीटर की गाती बना लेना, या फिर 2.5 मीटर का कटी वस्त्र उपवस्त्र बना, 2 जोड़ी कपड़े लाया हूं, तुम चले जाओ। पिता ने कहा बेटा तुम्हारे बच्चों को मैं संभालूंगा, मेरा कोई वो नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, बात मत करो, चलो यहां से, कहा ना सुनते नहीं। अंत में बेचारा बूढ़ा पिता क्या कह सकता था, अच्छा बाप बेटा मैं जा रहा हूं, किंतु ऐसा करो, देखो ये 5 मीटर से मेरा काम चल जाएगा, और मैं यहां से साधना सदन में चला जाऊंगा, भंडारे होंगे, कभी मुझे धोती मिल जाएगी, कभी कुछ, और 5 मीटर तुम अपने लिए रख लो। उसने कहा मुझे क्या करना है इसको, ले जाओ, ये तुम्हारे लिए लिया है 10 मीटर। नहीं नहीं बेटा तुम रख लो। मैं करूं क्या, रख लो बोलते हो। तो बाप ने थोड़ी आंख में आंसू बहाते हुए कहा कि बेटा देखो वो तुम्हारा बेटा है ना छोटा सा, तुम कम से कम मुझे 10 मीटर कपड़ा देकर निकालते हो, वो तुमको एक कपड़ा नहीं देगा और निकालेगा, तब तुमको ये 5 मीटर काम आ जाएगा, तुम रख लो। उस बेटे ने पूरे बाप को रख लिया कि यदि सच ये बात है तो पिताजी रहिए आप। हम यदि हमारे पति की बात को रख लें, ठीक है, कोई बात नहीं। हम कथा करते रहते हैं तो कई बहनें माताएं चिट्ठी लिखती है कि महाराज जी आप कथा में कह रहे थे मुझे बात तो अच्छी लगती है, किंतु मेरे पति का स्वभाव बहुत गर्म है, उसकी ये आदत है वो आदत। सच में बोल रहा हूं, बिल्कुल रामायण के पास में, महाराज जी के पास में बैठ करके बोल रहा हूं। अगर तुम चाहो तो उसको सुधारना सहज है। ये केवल तिजोरी की चावी, एटेची की चावी, घर की चावी नहीं, सारी ऊपर की चाबियां भी आपके हाथ में है। भोजन बनाते वक्त, सब्जी शाक भाजी सुधारते वक्त, पानी भरते वक्त, दूध या कुछ भी, दाल चावल साफ करते वक्त जप करो, भगवान का स्मरण करो, हे प्रभु इस सब्जी को खा करके, इस दूध को पी करके, इस रोटी को खा करके, इस मिठाई को खा करके, कपड़े धोते हुए सोचो कि इस कपड़ों को पहन करके, हे प्रभु इसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी। देखो धीरे धीरे पानी भरो पिलाओ, तब भी चलते चलते पानी भरते भरते, हे महादेव इसकी बुद्धि, देखना बड़ा चमत्कार होगा समय में, थोड़े समय में। और कईयों ने ये चमत्कार करके देखे, सुधर जाते। हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसे दृष्टांत हुए हैं कि एक पत्नी ने पति को सुधार लिया, और बहुत मुश्किल से भी एकाद मिलना मुश्किल है, कोई नहीं मिलता अभी तक कि किसी पति ने बिगड़ी हुई पत्नी को सुधार, क्योंकि चावी नहीं। हमारा कच्छ नो जैसल झाड़े जाए,
इतोरिये त्रण नर तारिया कच्छ का इतिहास है बड़ा खूंखार जैसल बड़ा डकैत डाकू था फल तोड़ता हो आदमी ऐसे आदमी को मार देता किंतु सती तोरल ने उसको धीरे 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 साधु बना दिया भक्त बना दिया। अजामिल की पत्नी भी भक्तिमती थी उसका उद्धार कर अरे कयादु हिरण्यकशिपु की पत्नी ने 108 बार उसको नारायण नाम बुला दिया और उसका बेटा हुआ प्रहलाद। तो मैं ये कहने चला था कि पत्नी के हाथ में सब कुछ है यदि वो चाहे तो पति को सत्संगी बना सकती पति को बड़ा भाविक और बड़ा दिव्य भक्त बना सकती। बेटी सीता देखो तुम्हें तो प्रभु के चरणों में राम के चरणों में अटूट प्रीति है मैंने तो ये कथा की नहीं कथा संसार ही थी ये तो मैंने एक लोक की कथा तुम्हें की। सुनु सीता तव नाम सुमिरी तुम्हारा नाम स्मरण करके संसार की सभी स्त्रियां पतिव्रत धर्म को पालन कर सकेगी। ये मैं तुम्हें उपदेश नहीं दे रही ये तो तुम्हारे माध्यम से मैं संसार को उपदेश दे। सीता जी को बहुत अच्छा चरणों में वंदन किया आशीर्वाद दिया अखंड सौभाग्यवती बहु। ऋषि मिले और भगवान रामचंद्र ने वंदन किया ऋषि ने बहुत आदर के साथ कहा कि हमारा जीवन सफल हो गया प्रभु ने कहा हमारा भी आपके दर्शनों से और वहां से प्रभु चले। रास्ते में असुरों को जो ऋषि मुनियों को परेशान किया करते थे उनका संहार किया नारायण और अपना अवतार कार्य करते करते भगवान आगे चले सर्वभंग ऋषि के आश्रम बड़े भक्त प्रभु आ रहे हैं ऐसे समाचार मिले तो दौड़े दौड़े प्रभु का दर्शन किया ऋषियों को भगवान रामचंद्र ने वंदन किया और ऋषि ने कहा कि मैं जा रहा था ब्रह्मलोक में मेरा समय आ रहा था शरीर छूटने का और मैं बस ये प्रतीक्षा ही कर रहा था सुना कहीं से आप आ रहे तो मैं रुक गया। जैसे लोग नहीं कहते कि हम जा रहे थे हरिद्वार सुना कहीं से कि महाराज जी तो यही है तो दर्शन करने को आ गए। ऐसे सर्वभंग ऋषि ने कहा कि मैं जा तो रहा था विरंची के लोग मैंने सुना संत महापुरुषों से कि आप तो यहाँ हैं तो प्रतीक्षा कर अपने छोटे भाई के साथ आप यहाँ आ ही रहे हैं बड़ी सुंदर स्तुति की कि आपने मुझे दर्शन दिया ये सच में कोई मुझ पर उपकार नहीं किया आपका ये स्वभाव है बड़ा सुंदर भाव। भगवान ने दर्शन दिया और ऋषि ने बहुत आनंद के साथ बड़ी सुंदर स्तुति की और कहा भगवान से कि आगे आपका क्या यात्रा क्रम है। भगवान ने कहा कि यहां से बस चल के हम अगस्त जी के आश्रम में जाएंगे। अच्छा तो मैं भी चलता हूं ठीक है आपके साथ कई दिन हो गए गुरु जी के दर्शन मैंने भी नहीं किए तो मैं चलता हूं। भगवान राम ने कहा अच्छी बात सभी चलते चलते पहुंचे सर्वंग ऋषि ने अपने गुरुजी को जाकर के कहा कि महाराज जी भगवान राम आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ ऋषि अपनी कुटिया से बाहर निकले प्रभु का दर्शन करके बहुत आनंद हुए कि देखो ये शिष्य। वैसे रामचरित्र में तो इतनी विस्तार से कथा नहीं आती किंतु अन्य संत महापुरुषों से सुनी है किसी और शास्त्र में आती होगी। एक दिन सर्वंग ऋषि ने अपने गुरु जी को अगस्त जी को कहा कि गुरु महाराज मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं आपसे हम पढ़ते हैं आपसे हम इतना आपके आशीर्वादों से आपके सद्भाव आपकी विद्या से हमको इतना कुछ मिलता है आपने इतना बढ़िया उपदेश दिया तो हम भी चाहते हैं कि आपको
थोड़ा कुछ फूल, नहीं तो फूल की कली अब देना चाहते। अगस्त जी ने कह दिया कि बेटा मुझे वैसे तो कुछ चाहिए नहीं, क्या लेना है तुझे? नहीं, फिर भी गुरु जी आप बताए तो मैं ला दू। जरा सोच करके अगस्त जी ने कहा कि अगर तुम ला सको तो भगवान लाओ, मुझे प्रभु के दर्शन करो। सर्वंग जी चले गए और भक्ति करते करते आज राम जी इनके आश्रम में आए तो प्रभु को लेकर के उन्होंने दर्शन करवाए। गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए कि देखो ये मेरा शिष्य, ये मेरा विद्यार्थी जिन्होंने मेरे से विद्या और दीक्षा ली है और उन्होंने मुझे प्रभु का दर्शन कर दिया। पिता पुत्र की बड़पन से प्रसन्न होता है, गुरु शिष्य की विशेषताओं से प्रसन्न होता है। जो मैं काम नहीं कर पाया, यदि वो मेरा शिष्य काम कर पाता है तो वो मेरा ही गौरव है, मेरा ही बड़पन है। लिखा है शास्त्रों में कि शिष्य और बेटे से गुरुजी या पिता हार जाए तो वो अच्छी बात है, वो बड़ा आनंद आता है। देखो मेरे बेटे ने मुझसे भी ज्यादा काम कर। छोटे महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ा और उनको जब दिल्ली ले आना पड़ा तब हमारे तो पाठ बंद हो गए और उनकी सेवा में जो सुबह शाम लगे रहते थे तो हम लोगों ने कहा कि हम भी वहीं चलेंगे और आपकी सेवा करेंगे, नहीं तुम्हारा पाठ अनध्याय मत करो, तुम पढ़ते रहो, यहाँ महाराज जी कौन पढ़ेगा, उन दिनों दूसरा कोई, उनसे पढ़ो। और उन्होंने कह दिया कि यहाँ से तुम काशी चले जाओ, योगिंद्रानंद जी बहुत अच्छे विद्वान से। नहीं महाराज जी, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। महादेव महादेव उनकी भाषा, तुम योग्य बन जाओ, ये मेरी सबसे बड़ी सेवा, तुम अच्छे असली अर्थों में सन्यासी महात्मा बन जाओ, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा। रोते रोते जाना पड़े और वहां उनके कहने से पूरी अनुकूलता, तुम ठीक हो जाओ, यही मेरी सेवा है। गुलाब का फूल अगर बगीचे में खिल गया तो उस फूल ने पूरे बगीचे को सुंदर बना दिया और उसको कुछ करना नहीं है। मोगरे के फूल से यदि हल्की हल्की सुगंधी फैल रही है तो उसने खिल करके ही सब कुछ काम करना है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य ने प्रकाश दे करके सभी को प्राण प्रदान कर दिया, ऐसे यदि हम भी योग्य बन जाए, खुद अपने आप को सजा ले, सब कुछ कर दिया। लीनम परे ब्रह्मणी यस्य चेता कहा गया, उन्होंने सब कुछ कर दिया। कुलम